अरे मैडम आपने ये क्या किया, मेरी अंडे की ट्रे पे आपने गाड़ी चढ़ा दी, सारे अंडे तोड़ दिए। भैया गलती से हो गया, सॉरी। मैडम क्या आपके सॉरी बोलने से मेरे टूटे हुए अंडों की ट्रे वापस आ जाएगी? मैं आज अपने बच्चों को अंडों की सब्जी खवाता। अरे भैया आप अपने बच्चों को इन अंडों को तोड़ के ही तो खिलाते ना, अभी अंडे यहाँ फूट गए, अपने बच्चों को यहाँ लिया और खिला दो अंडे। कैसी बात कर रही है मैडम, मैं अपने बच्चों को यहाँ ला के इन अंडों को खिलाऊं? ये सारे अंडे टूट चुके हैं। सारे अंडे कहाँ टूटे, बच रहे हैं ना अभी उसमें? नहीं मैडम सारे अंडे टूट गए। अरे बचे तो हुए हैं उसमें अभी कुछ अंडे? नहीं मैडम सारे अंडे टूट गए। हाँ देखना सोनिया सारे अंडे तो टूट गए, देख मैं दिखाती हूँ अभी। देख ये भी टूटा हुआ है ना? देख टूटे हुए हैं ना सारे के सारे। मैडम आप दोनों तो निहायत ही बदतमीज हो, आप दोनों का मैं कुछ नहीं कर सकता, आपका तो जो कुछ करेगा भगवान करेगा। अरे छोड़ ना इस दो कौड़ी के इंसान को, इसकी भी भगवान सुनेगा क्या? अरे मैडम कहाँ जा रहे हो, नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी है, चालान कटेगा पूरे 2000 रुपए का। 2000 रुपए का? अरे भैया हम तो बस गाड़ी बैक करके जा ही रहे थे। मैडम जब कोई फंसता है ना तो ऐसे ही बोलता है, अब तो आपकी गाड़ी बॉन्ड होगी। सोनिया हमारी गाड़ी बॉन्ड हो जाए उससे अच्छा तो मैंने 2000 रुपए ही दे देते हैं। ठीक है यार दे दे। ये लो सर। और हाँ मैडम आगे से गाड़ी नो पार्किंग में नहीं होनी चाहिए, चलो। और हाँ मैडम सारे काम भगवान नहीं करते, कुछ हम जैसे को भी करने पड़ते हैं, चलो। भैया ये लो 2000 रुपए रखो। भैया ये मेरे नहीं है, मुझे क्यों दे रहे हो? नहीं भैया ये पैसे आपके ही हैं, आप इन्हें बोला था ना कि भगवान सबको देखते हैं, तो हाँ भैया भगवान सबको देखते हैं, सबको अपने कर्मों का फल यही मिलेगा।